नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम भूपेश और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने अपने बलबूते पे अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री के अंदर साबित किया है। तो सुनीता जी, बताइए कि लड़कियां इंडस्ट्री में आने के लिए क्या क्या करती हैं और किस तरह फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करती हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियाँ जब इंडस्ट्री में आती हैं तो उनकी अपनी थॉट होती है, अपनी सोच के हिसाब से वो इंडस्ट्री में कदम रखती हैं। कोई कुछ चाहती है, सपने लेके आती है, बड़ी बड़ी बातें सोच के आती है कि वो हर आने वाली लड़की ये सोचती है कि मैं स्टार बन जाऊँगी, जबकि ऐसा नहीं होता। टैलेंट भी बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में। अगर आप मार्केट में आपने पोर्टफोलियो बना दिया, आपने एक्टिंग नहीं सीखी, आप घूमते रहे मार्केट में फ़ोटो लेके, तो ऐसा नहीं। एक कलाकार की कला भी दिखनी चाहिए, तभी वो इंसान मार्केट में आगे बढ़ता है। और अगर ऐसा नहीं है, इवन आप ही अभी ले लीजिए, मैं आपको बताती हूँ, अभी नाना पाटेकर के साथ जो अभी तनुश्री दत्ता ने लगाया, जिस टाइम जो वक्त तनुश्री दत्ता का था, उस वक्त उसको कोई नहीं पूछता था, तब तनुश्री दत्ता ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि नाना पाटेकर ने ये किया, बला बला प्रोड्यूसर ने ये किया, तब उन्होंने इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाए थे? 10 साल से कहाँ गई, गायब थी। आई एम रिस्पेक्ट राखी सावंत, क्यों? क्योंकि राखी ने वो चीज़ें सही साबित की हैं, उसने जो भी बोला बिल्कुल परफेक्ट है। आज यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं काम मांगने, काम मांगने के नाम पे क्या होता है? राखी ने जितनी बातें बोली हैं 100% सही बोली हैं। जिनको एक्टिंग नहीं आती, जिनको डांस नहीं आता, जिनको कुछ नहीं आता, आगे सिर्फ अपने बॉडी दिखा के और चाहती हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन पर इम्प्रेस हो जाएंगे और उनके साथ काम करने को रेडी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मजबूरी में वो कुछ ऐसा कर जाती हैं जिसके चलते डायरेक्ट प्रोड्यूसर को हाँ भरनी पड़ती है और वो उनके चलते काम देना मजबूरी उनकी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी वजह से जो इतने कलाकार हैं, एनएसडी पास आउट, जो मंडी हाउस से पास आउट है, वो रोड पे बैग लेके पूरा दिन धक्का खाते हैं, उनको काम नहीं मिलता। इन लोगों के चलते उनको काम नहीं मिलता, क्यों? मैंने राखी सावंत के साथ काम किया है, मैंने रियलिटी शोज़ किया है, मैंने राखी को बहुत करीब से जानती हूँ मैं, और इतना जानती हूँ कि उस कुछ भी हो, राखी ने जो स्ट्रगल किया है, जो मेहनत की है, मुझे पता है। राखी 3 साल लगातार सिद्धि विनायक मंदिर पैदल गई है और पैदल आती थी 3 साल हर मंगलवार को। आज राखी राखी है, लेकिन मार्केट में क्या है? मार्केट में जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं इन बातों को काट के एक ही बात बताती हूँ। अभी आज ये नाना पाटेकर का हुआ है, बहुत सारे जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन सब चीज़ों में अभी घिरे हुए हैं, तो हमें एक बात बताइए, आज जब उन जो लड़कियाँ मार्केट में आई, जब उनके पास नाम नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, तब वो उनके पास जाके हाथ जोड़ के बोलती थी, सर हमें काम दे दो, जो आप कहेंगे हम तैयार हैं, हम करेंगे, तब उन्होंने क्यों नहीं बोला? आज वो 10 साल 20 साल के बाद आज वो चीज़ें क्यों बोलती हैं? आज किस वजह से वो बोलती हैं कि हमारे साथ ये किया? क्यों नहीं 10 साल पहले वो बात बोली? और 10 साल 20 साल के तो गड़े मुर्दे, इनको खेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए और ऐसा कानून भी नहीं होना चाहिए। पहला सवाल, जब भी अगर ऐसा कोई सवाल उठता है इंडस्ट्री में, तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि उनसे ये पूछना चाहिए कि चलिए इन्होंने आपके साथ ऐसा 10 साल पहले किया था, तो 10 साल से पहले आप, 10 साल के बाद अब तक आप चुप क्यों थी उस मुद्दे पे? क्यों नहीं आपने खुल के बोला उस टाइम? क्यों नहीं इस बात को? क्योंकि उस टाइम आपके कैरियर का सवाल था। जब आपने अपना कैरियर पूरा बना लिया, आप टॉप पे पहुंच गए, तब आप उस अच्छे खासे इंसान को जिसने आपको बढ़ाने में अपनी अपना पूरा कोशिश किया, अपने दम पे आपको बढ़ा दिया, आगे पहुंच गए आप, अब पैसा कमाने लगे और आपका नाम शोहरत सब कुछ आपका हो गया, उसके बाद तब आप आके बोलते हैं इस आदमी ने मेरे को यूज किया था। किस बात का यूज? कौन सा यूज? तुम अपने आप उसके सामने आए, तुमने अपने आप को यूज करवाया, तो फिर उस आदमी की क्या गलती है? अगर वो यूज करता है, जिस टाइम तुम्हारा हाथ पकड़ा था उसी टाइम तुम्हें बोलना चाहिए था कि इसने मेरा हाथ पकड़ा। क्यों 10 साल 20 साल के बाद आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हो? और मेरी गवर्नमेंट से, मुझे फिल्म इंडस्ट्री सबसे यही शिकायत है और यही गुजारिश है कि ऐसी लड़कियों को प्लीज़, ऐसी हीरोइनें जो ऐसे सवाल जवाब करती हैं 10 साल 20 साल के बाद करती हैं, आज एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबकी अपनी एक वैल्यू है, सबकी एक रेपुटेशन है। अगर आज हर जगह ऐसा होने लगा तो इंडस्ट्री तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
कौन ब्रेक देगा किसी को? तो इसमें ऐसा नहीं है इंडस्ट्री में. अभी मैं आपको बताऊं कि लोग बोलते हैं इंडस्ट्री के लोग बहुत ख़राब होते हैं, इंडस्ट्री की लड़कियों में ये, इंडस्ट्री में ये चल रहा है. ऐसा नहीं, चल तो पूरे हिंदुस्तान में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है. ऐसा कुछ भी कोई भी किसी का नहीं है, सब बी टू फ्रैंक लोग हैं. पर ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में जो चल रहा है, इंडस्ट्री का नाम इसलिए बदनाम है कि अगर इतनी सी भी चीज़ आपके सामने आई तो तुरंत एक झटके में मार्केट में आ जाती है. क्यों? क्योंकि मीडिया ग्रुप है, मीडिया वाले सामने बैठे हैं. बाहर इससे बड़ी बड़ी दुनिया में इतने इतने फायर होते, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां हो के ख़त्म हो जाती हैं, जिसमें आज तक एक भी सुराग नहीं मिलता कि कहां से आई कहां चली गई. सिर्फ हमारे बॉलीवुड को इसलिए बदनाम किया जाता है कि बॉलीवुड में रहने वाले लोग मीडिया में सबसे पहले फेमस होते हैं, तो सबसे पहले मीडिया ही उनके नाम उछालती है. यहाँ फ्री है, यहाँ कोई किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता. आपकी मर्जी है, आप अपने मन से कुछ भी करो. आप डायरेक्टर को पटाते हो, प्रोड्यूसर को पटाते हो, इवन प्रोड्यूसर डायरेक्टर लड़की को पटाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो भी करते हो आप अपनी मर्जी से, इंडस्ट्री में जो होता है आपकी मर्जी से होता है. यहाँ किसी के खिलाफ कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं होता. और आई थैंकफुल, मैं राखी सावंत के बारे में फिर से बोलूँगी कि राखी बहुत अच्छी इंसान है. उन्होंने जो बोला परफेक्ट बोला, उन्होंने जितनी लैंग्वेज इस्तेमाल की, जो भी उन्होंने जिस तरीके से अपने अंदर के जो भी अपने उनको बोलना था, जो भी उन्होंने बयां किया, लेकिन वो परफेक्ट लेवल से बोला उन्होंने. उनको पता यही होता है, वो खुले दिल वाली हैं, वो खुल के बोल सकती हैं. आई एम एग्री टू राखी.